Hello students, welcome to another video on trigonometry. This is question number 5 from 8.4 exercise class 10th NCERT. This question number 5 contains actually 10 sections and each section we have to prove the given identities. Okay, total hame 10 identities ko prove karna hai one by one. To abhi hum log first question dekh rahe hain, first section uska solve karne wale hain. But is question mein jane ke pehle hame clear hona chahiye ki what are trigonometric identities. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझने के लिए पहले एक सिंपल इक्वेशन में चलते हैं. सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वी नो दैट दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी. दिस इज एन इक्वेशन. ओके, तो इस इक्वेशन में अगर आप ए के प्लेस में कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज मैं 5 पुट कर रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, 16. अब इन्हीं वैल्यूज को मैं अगर RHS में पुट करूँ, सो 5 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3, सो 2 इंटू 8, 16. सो ए और बी की इन वैल्यूज़ के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास. ओके, तो बिकॉज LHS और RHS इक्वल आया, इसीलिए मैं इस इक्वेशन को आइडेंटिटी बोल सकता हूँ. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी टर्म्ड एज आइडेंटिटी. ओके, क्लियर. अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन हो बट उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो, सपोज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन में आपको सिंपल वेरिएबल्स नहीं मिलके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल रहे हैं. ओके, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन रेशियोज में थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, मैं यहाँ पर थीटा के प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करूँ, ओके, वो वैल्यू पुट करने के बाद LHS और RHS अगर इक्वल मिलेगा, तब मैं इस इक्वेशन को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल सकता हूँ. कंडीशन है कि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए LHS RHS इक्वल आना चाहिए. ओके, तब आप इस इक्वेशन को, इस गिवन इक्वेशन को, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को आप बोल सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी. जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, हम थीटा के प्लेस में 30 डिग्री डाल के चेक करते हैं कि LHS RHS इक्वल आता है कि नहीं. सो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ, सो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ साइन 30, 1 बाई 2, उसका स्क्वायर कर लो. वैल्यू ऑफ कॉस 30, रूट 3 बाई 2. ओके, सो 1 बाई 2 स्क्वायर इज 1 बाई 4, रूट 3 बाई 2 स्क्वायर इज 3 बाई 4, और इसको सॉल्व करने से 4 बाई 4 विच इज इक्वल टू 1. तो LHS का वैल्यू आ गया 1, RHS भी हमारे पास 1 है, तो मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल सकता हूँ. बट सिर्फ एक वैल्यू से डिफाइन नहीं होता, आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास LHS RHS इक्वल आना चाहिए, तब आप उसको आइडेंटिटी बोल पाएंगे. एक सिंगल वैल्यू से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते उसको. ओके, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है मेरे पास, मुझे चेक करना है कि आइडेंटिटी होती है कि नहीं. ओके, थीटा के प्लेस में हम डाल के देखते हैं 30 डिग्री, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, साइन 30 विच इज इक्वल टू साइन 30 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2. देन राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल के देखते हैं, कॉस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर डिफरेंट, तो आप इस इक्वेशन को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते बिकॉज आपका LHS RHS डिफरेंट आ रहा है. क्लियर है? तो आइडेंटिटी के लिए कंडीशन है कि आपके पास जो इक्वेशन होगा, ओके, आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आना चाहिए, वो वैल्यू सेम सिमिलर होनी चाहिए, तब हम उसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 10 आइडेंटिटीज गिवन है, डिफरेंट आइडेंटिटीज गिवन है, हमको उसको चेक नहीं करना कि वो आइडेंटिटी है कि नहीं, हमें इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है. ओके, तो इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले वो भी हमको जानना जरूरी है. हम किसी भी
एक साइड, या तो आप LHS को यूज़ करेंगे, इस LHS को यूज़ करके आप RHS लाएंगे, ओके, या फिर आप राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए LHS को लाएंगे। हम इसको यूज़ करके ये ला सकते हैं, या LHS को यूज़ करके मैं राइट हैंड साइड पे आ सकता हूँ। इसमें ट्रांसपोजिंग नहीं होगी, आप किसी भी टर्म को ट्रांसपोज नहीं करेंगे, प्योरली आप या तो LHS यूज़ करेंगे या फिर RHS यूज़ करेंगे। लेट अस सी हाउ टू प्रूव दिस गिवन आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल यूज़ LHS टू प्रूव RHS। सो LHS गिवन है हमें cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, ओके। तो फर्स्ट टर्म जो cosec थीटा दिख रहा है, मैं उसको 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ, और cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन साइन थीटा। लिख लीजिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। आइडेंटिटी प्रूव करते समय हमेशा आपकी नज़र RHS में होना चाहिए कि आपको ऑब्टेन क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, ओके। नो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है, ये a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें, तो इसका एक्सपेंशन हमको नहीं देना है, ओके। क्यों नहीं देना है? बिकॉज मेरे पास जो RHS है उधर मुझे 1 माइनस cos थीटा का फॉर्म चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 1 माइनस cos थीटा आ गया है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही रखना है इसे। सो 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, हम इसका एक्सपेंशन नहीं देंगे, ओके। नीचे साइन थीटा है, उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्लियर होगा कैसे आया, इसके पहले भी काफ़ी बार मैं समझा चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके मैं ये लिख सकता हूँ, वो लिखा मैंने। ये चेंजेस क्यों किए? बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास cos का टर्म है, बट हमारे पास अभी यहाँ पे साइन था, तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, ओके। नाउ ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा अपॉन, डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ओके। फैक्टराइज किया हमने इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। सो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास जो बच रहा है वो आ रहा है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, यही RHS था, ओके। तो हमने LHS से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, और RHS का फॉर्म ले आया हमने, ओके। तो ये प्रूव होता है यहाँ पे।